अनुग्रहित इस सुंदर सुबह के मौके पर प्रभु के अतुल्य नाम की महिमा होने पाए। आज हमारा ध्यान हम लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय के 39 और 40वें वाक्य की ओर ले जाए। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। अनुग्रहित इस वचन के भाग में से चिल्ला कर प्रभु की आराधना करें, इस भाग की ओर अपने ध्यान को ले जाए। भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए यीशु मसीह गधे पर बैठ के जब यरूशलेम की यात्रा करते हैं तो रास्ते की अद्भुत बातें और चमत्कार देख के कुछ शिष्य से चुप न बैठा गया। वो उत्साहित होके ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे, होसन्ना होसन्ना। इस घटना को देखकर कुछ फरीसी यीशु से ऐसा कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को चिल्लाने से रोक। उसके उत्तर स्वरूप जो यीशु ने कहा उसी को अभी हमने ऊपर पढ़ा, अगर ये न चिल्लाए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हे प्रियो, अपने बोझों से मुक्ति पाकर और सब परेशानियों से आज़ादी लेकर थोड़ी शांति मिलने के बाद हम प्रभु की महिमा करने के लिए रुके हैं, तो ऐसा अपने जीवन काल में पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। सभी परेशानियों के अंत के बाद हम उसकी महिमा करेंगे। जब हम ऐसा सोचते हैं तो इन सब के मध्य में स्वर्गीय शांति और कृपा महसूस करने वाले प्रभु के चेले का चुप रहना असंभव होता है। उसका धन्यवाद देना और स्तुति करना ऊंची आवाज़ में और भी बढ़ता जाता है। प्रार्थना और वचन का मनन करना हो सकता है हम चुप रहकर कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए धन्यवाद जब हृदय में भर जाता है तो एक व्यक्ति के लिए चुप रहना मुश्किल हो जाता है। अपने आप ही उसके हाथ ताली बजाने लगते हैं, अपने आप ही उसका मन खुल जाता है, अपने आप ही वो प्रभु की महिमा करने लगता है। यही है सच्ची आराधना। आत्मिक आयाम में दिखने वाली आराधना में जहाँ कई लोग प्रभु को देने वाली महिमा न देखे चुप रहते हैं तो दूसरे कई उसकी महिमा करते हैं, दूसरे कई उसकी स्तुति करते हैं। ऐसे लोगों को कई बार कठिन सवालों का भी सामना करना पड़ता है। हे प्रियो, ऐसे लोगों को आराधनालय में आने पर ही चमत्कार संभव है ऐसा नहीं लगता, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने अपने घरों में चिल्लाकर प्रभु की महिमा करने वाले बने। 17वीं सदी की शुरुआत में जीवित एक व्यक्ति थे, विलियम चिबर्थ ब्रे। बहुत ही छोटी सी उम्र में उनके पिताजी को उन्होंने खो दिया था। इस कारण स्कूल की पढ़ाई उन्हें बीच में ही रोकनी पड़ी और एक बहुत छोटी नौकरी उन्हें करनी पड़ी। मदिरा पान और ताश खेलकर उन्होंने अपने यौवन को बेकार कर दिया। अपने 27वें साल की उम्र में उन्होंने जोआना नामक एक युवती से शादी कर ली। ऐसे नास्तिक के रूप में जीवन बिताते समय एक खतरनाक दुर्घटना से जब उनकी जान जाते जाते बचती है तो उनसे प्रेम करने वाले उनके एक दोस्त और प्रभु के दास ने जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई एक किताब विजन ऑफ हेवन एंड हेल उन्हें पढ़ने के लिए दी। उस किताब ने विलियम को एक मसीह भक्त बनने और अपने जीवन को परिवर्तित करने में मदद की। उसके बाद वो एक सुसमाचार के प्रचारक बन गए। उन्होंने ऊंची पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन उनके एकदम सरल प्रचारों को और मनोहर तरीके से गाए गीतों को जन आधार ने बड़ा सराहा और कई लोगों ने यीशु को उनके द्वारा कबूल किया। उस समय तक इंग्लैंड में रहने वालों के लिए एक अपरिचित तरीका था ऊंची आवाज में स्तुति और आराधना करना, लेकिन विलियम ने इन सब रीतियों को बदल दिया। कई बार उनकी आवाज़ का बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया। उसके जवाब में उन्होंने ऐसा कहा, तुम अगर मुझे बंधनों में भी बांध दो तो भी वहाँ से भी मैं अपने प्रभु की महिमा करता रहूँगा। विलियम की ऊंची आवाज़ की आराधना ने कई लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें भी ऊंची आवाज़ में प्रभु की महिमा करने के लिए प्रेरित किया। विलियम की ऊंची आवाज़ में आराधना करने की रीति को चुप करने की कोशिश करने वाले समूह से उनके प्रतिकार स्वरूप लिखी गई उनकी जीवनी है राजा के बेटे
करके एक प्रसिद्ध पुस्तक। इस पुस्तक में एक जगह कुछ ऐसा लिखा है, मैं आग से जन्मा हूँ, धुएं में जीना मुझसे नहीं होगा। हे प्रियो, हम रोगी हो सकते हैं, रोग जाने के बाद चंगे होने वाले हो सकते हैं, जिससे रोग नहीं आया है, इनमें से कुछ भी आज का विषय नहीं है। आज एक और सुबह प्रभु ने हमें देखने का मौका दिया है और ये एक बहुत अद्भुत बात है। इसलिए हमारा कमरा एक आराधनालय बन जाए, हमारा घर आराधना का केंद्र बन जाए, हम आज प्रभु की चिल्ला चिल्ला कर महिमा करने वाले बने। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।